ऑनलाइन टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रभूषण कुमार। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल में देख रहे हो कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग अपने आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक कैसे करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको घर बैठे ही बिना आधार सेंटर गए हुए कैसे लिंक करना है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक है और वो कहीं खो गया है तो उसे आप लोग कैसे चेंज करोगे। घर बैठे ही आपको कोई भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि वो फॉर्म कौन सा है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा, आईडी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कौन सा आईडी की जरूरत पड़ेगी और वो कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा हम घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे और आप लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट में देखोगे तो ओपन अकाउंट है, यहाँ से आप लोग अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। आधार एटीएम का भी सुविधा ले सकते हैं घर बैठे ही, आपको कोई भी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल पेमेंट्स का भी कर सकते हो, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, पेमेंट्स ड्रॉप है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, आधार मोबाइल अपडेट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे आधार मोबाइल अपडेट। उसके बाद चाइल्ड इनरोलमेंट है। ठीक है, अगर आप लोग बच्चे का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो चाइल्ड इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे आधार कार्ड में अपडेट करना है, आपके आधार कार्ड को अपडेट करना है। ठीक है, जिसके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, इस मोबाइल आधार अपडेट जो है, आधार मोबाइल अपडेट, इस पर आपको टिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सेलेक्ट करना होगा, MRS, MS, MR, ठीक है, मिस्टर, मिसेज और MRS। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम भरना है, जिसके भी आधार कार्ड में आप लोग अपडेट करवा रहे हो। ठीक है, उसका आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नाम भरोगे, यहाँ पे देख लोगे तो फर्स्ट नाम है, तो सिंपली आप लोग इस कॉलम में फर्स्ट नाम भरेंगे। अगर उसका कोई लास्ट नाम है तो इस कॉलम में उसका लास्ट नाम भरोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, जो भी आधार कार्ड में लिंक कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आप लोग इस कॉलम में भरोगे। उसके बाद अगर आप लोग ईमेल आईडी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी भरोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस भरना है, आधार कार्ड को देख के एड्रेस भरोगे इसमें। ठीक है, जो भी एड्रेस है वो भरेंगे आधार कार्ड के अनुसार, ये दोनों कॉलम में एड्रेस भर लेंगे। एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में मिल जाएंगे, यहाँ पे पिन कोड है, तो जैसे हम यहाँ पे पिन कोड भरेंगे तो यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके नियरेस्ट में पोस्ट ऑफिस है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे सब डिवीजन है, डिवीजन है, रीजन है, स्टेट है, सर्कल है। ठीक है, उसके बाद एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा सकते हो कि सर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना कोई भी रिक्वेस्ट डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पे सही सही फिल करोगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम ये सारा फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे आपका जो भी सबमिट किए थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो आपको यहाँ पे कंपनी दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो घर बैठे, आपको कोई भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपके घर पे आके आप जो नंबर वहां पे दिए थे उस नंबर पे कॉल करके इसका जो भी पोस्टमैन होगा वो घर पे जाके आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे। अगर वहीं पे आप लोग बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो आपको वहां पे बच्चे का आधार कार्ड बना देंगे आपके घर पे जाके, आपको कहीं पर भी विजिट नहीं करना है। जैसे कहीं से आप लोग, जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम फास्ट में तुरंत से तुरंत अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें तो आपको आधार सेंटर जाना होगा। जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें तो आपको ये सेवा बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई का सवाल है कि सर हम आधार मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक दुकानदार है, ठीक है, हम दुकान चला रहे हैं, हमारे पास कस्टमर आता है, क्या हम इस सुविधा से कर सकते हैं? तो भाई आप नहीं कर सकते हो। इस सुविधा से आप कितना करोगे, पोस्टमैन कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है? ठीक है, तो ये जो है सेल्फ डिपेंड के लिए, मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसे यूज कर सकते हैं। जैसे दुकानदार भाई है तो वो तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम आपको इस वीडियो में पहले ही बताए थे कि आईडी भी लगेगा तो इसमें कोई भी आईडी नहीं लगेंगे। अब जो इसका चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा आपको घर पे इसका ले लिया जाएगा, 50 रुपये से ज़्यादा चार्ज ले नहीं सकता है।
50 रुपया से कम जितना होगा वो ले सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया ही लेगा मोबाइल नंबर लिंक करने।